व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यूज़ वीडियो। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त एंड दोस्त द जोकर। तो गाइस मैं चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ वीडियो रोज लिखाते हैं। तो गाइस मैं आप सभी से सबसे पहले आगे कहना चाहता हूँ कि आप सभी मिलकर प्रे कीजिए कि जो भी उत्तराखंड में ग्लेशियर बर्स्ट होने के कारण जान माल का नुकसान है और ना हो। तो गाइस इस मामले में देसी के मन ने अपनी सद्भावना प्रकट करते हुए अपने इंस्टा स्टोरी में ये सब कुछ लिखा। उन्होंने लिखा है कि लेट्स प्रे फॉर उत्तराखंड, मे महादेव की हेल्प ऑल, डिस्ट्रेसिंग न्यूज कमिंग फ्रॉम उत्तराखंड अबाउट ग्लेशियर बर्स्ट। तो क्या आप सभी ने नोटिस करा है कि इस टाइम सिचुएशन में प्रतिक्रिया देने में देसी के मन अगर फर्स्ट नहीं है तो वे लास्ट भी नहीं होते हैं। तो गाइस हमारे लिए न्यूज निकल के एक बहुत बड़ी यूट्यूबर के बारे में जिसने अपना खुद का ऐप लॉन्च करा है। तो वो कौन है जिसने अपना खुद का ऐप लॉन्च करा है? जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। अरे बबलू खलनायक नहीं है, वह लोकेश गिमा जिसने अपना खुद का ऐप लॉन्च करा है। अभी तक मुझे इसके ऐप के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, जितना मैं पता है मैं आपको बता देता हूँ कि शायद आज ये ऐप लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस वाइज बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है स्काईलॉर्ड की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि स्काईलॉर्ड का रैप बनाया गया है। किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये मामला निकल के आया है रैपर अभी और वेब टू गेमिंग के बीच में से, जिन्होंने इसका नामे को अंजाम दिया है। सच्ची सच्ची बताओ तुम लोगों ने क्या सोचा था? गाइस मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देख लेना। मैं आपको इन दोनों वीडियो का एक छोटा स्पॉट प्ले करके दिखा देता हूँ। मेरे पास इन दोनों वीडियो को यूज करने की परमिशन तो नहीं है। अगर रैपर अफिया और एफएफ2 गेमिंग कुछ प्रॉब्लम होती है तो भाई सिर्फ एक कमेंट दे देना, मैं अपनी वीडियो तुरंत एक मिनट के अंदर हटा लूंगा। भैया आज कुछ नया बताओ ना। चल फिर आज तेरे को बताते हैं स्काईलॉर्ड के बारे में। स्काईलॉर्ड जब आया फ्री फायर में तब वो खेलता था हैक करके। स्काईलॉर्ड को जब समझ में आया गाइना से मिलके हैक को हटाया। फिर जाके स्काईलॉर्ड खुला यूट्यूब, सबके खिलाफ जाके वीडियो बनाया, जिसने भी गिव अप किया बनाया, वीडियो देख के ऑडियंस को समझ में आया। मुद्दे से हमको हटना नहीं है, हमें स्काईलॉर्ड के बारे में बात करनी है। अभी 800,000 की सीढ़ी पे बैठा है वो, हमें जल्दी से जल्दी 1 मिलियन करना है। उसने बोला है 1 मिलियन पे चेहरा दिखाएगा, जब फेसकैम करेगा तो और मजा आएगा। वैसे भी वीडियो देख बहुत मजा आता है, कभी झूठ नहीं बोले, सबको सच सच बताता है। स्काईलॉर्ड से पंगा लेने का नहीं, कर देगा एक्सपोज फिर रोने का नहीं। वो तो बच्चे को अच्छा बुरा बुरा कुछ कहने का नहीं, हमेशा हमने देखा है। अगर आप सुमेश बात मानते तो आप जाके दोनों वीडियो देख लेना, दोनों ही वीडियो बहुत ही अच्छी है। तो गाइस वन बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है देसी गेमिंग की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि देसी गेमिंग हुआ गुस्सा। उन्होंने गुस्से में कहा है कि आप ऐसी गलती मत कीजिए सिर्फ व्यूज के लिए। उन्होंने सभी 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स को दी है वार्निंग। डियर एफएफ क्रिएटर विद 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स, फेक बंदों को मारकर मेरा नाम लोगो इस्तेमाल मत करो अपनी वीडियोस में सिर्फ व्यूज के लिए। किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो हो गया सो हो गया, आगे से मत इस्तेमाल करना। स्मॉल क्रिएटर कहते हैं तो समय में आता है, पर इतने बड़े क्रिएटर कहते हैं तो समय में नहीं आता। तो चलो गाइस मैं अब आपको रोमियो गेमर वासियो की कंट्रोवर्सी के बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वासियो ने कहा था कि मैंने रोमियो गेमर से बात नहीं करी थी उस दिन, तो उसी पर रोमियो गेमर ने रिप्लाई करते हुए वासियो कुछ कहा है अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, तो आप वो क्लिप देख लीजिए। कि मैंने कॉल नहीं करी थी, तुम लोगों ने मेरे से तो प्रूफ मांगा, कि तू बता तेरे पास क्या प्रूफ है, तूने कॉल करी थी। जैसे उसके पास कोई रिकॉर्डिंग कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, मेरे पास भी कोई रिकॉर्डिंग कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं क्या ये देख के। हाँ लेकिन मेरे साथ गवाह है भाई, पर मैं उनको सामने लाना नहीं चाहता क्योंकि फालतू की कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। वासियों से बस सिंपल सी ये बात पूछना आप लोग कि जब वो टूर्नामेंट खेल रहा था तो फोर सनकीज नाम का ग्रुप था या नहीं था, फोर सनकीज के ग्रुप के बंदे कौन कौन थे, ये वासियों को अच्छी तरह पता होगा। और उसने सिंपल सी एक बात बोली थी ना, क्या बोलते हैं, अमित भाई के अलावा किसी से बात नहीं थी। किसी मतलब किसी होता है, फिर किसी से भी नहीं, सिर्फ अमित भाई से बात हुई थी और किसी से नहीं हुई थी। तो फोर सनकीस के ग्रुप में उसके नंबर से बातें कौन कर रहा था भाई? फोर सनकीस के ग्रुप में सिर्फ 5 बंदे थे व्हाट्सएप के, मैं और वासी होते, 3 बंदे और थे। उसको अच्छी तरह पता होगा, ये रिप्लाई आप खुद उसी से ले लेना, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। उससे बस सिंपल सी ये बात पूछना कि फोर सनकीस के ग्रुप में कौन कौन बंदे थे और व्हाट्सएप पे टूर्नामेंट के टाइम पे तेरे रिप्लाई कैसे आ रहे थे। तू तो किसी से बात नहीं कर रहा था ना टूर्नामेंट के टाइम पे, टूर्नामेंट गया तूने तो किसी से बात ही नहीं करी, तो उसमें कौन भेज रहा था मैसेज? मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ यार, गाली दूंगा तो फायदा क्या यार, किसी को गाली देके उल्टा बोल के कुछ फायदा नहीं यार। गाली तब देंगे जब सामने से कोई गाली आएगी, ऐसे गाली नहीं देंगे, ठीक है? बस उससे सिंपल सी बात पूछना। और मेन बात तो ये है यार, उसने वायर वाला टॉपिक बोला था, टीएचडी से वायर वाला टॉपिक सॉल्व हो गया। अब फिर भी अगर वासियों को ये लग रहा है कि नहीं रूम में मेरे नाम पे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उससे ये पूछ लेना भाई ग्रुप में मैसेज कौन भेज रहा था उस टाइम पे। ग्रुप के बंदे गवाह हैं भाई, चाहूँ तो ग्रुप के बंदों को बुला के लाइफ पे सब बुलवा सकता हूँ, लेकिन फायदा नहीं है किसी को घसीटने से इन सब मैटर में। वो उसके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, दोनों के दोस्त हैं, क्या फायदा।
बस तुम उससे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अभी तक पूरा मामला समझ में आ चुका होगा। तो गाइस मेरे लिए न्यूज़ निकल के आई है एएस गेमिंग और देसी गेमर के बारे में। मैं आपको बता दूं कि देसी गेमर को एएस गेमिंग ने बीट कर दिया है, जिसके बाद एएस गेमिंग नंबर 2 पर आ चुके हैं फीफा कंटेंट क्रिएटर में इंडिया से। तो हमारे तरफ से मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। चलो गाइस बस ये आज कुछ न्यूज अपडेट। तुम्हारे चैनल पहली बार चैनल न्यूज सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना और इसके साथ ये भी कह देना कि छोटे भाई से मुझे चैनल सब्सक्राइब कर दो। चलो मैं चलता हूं, ध्यान रखिए, मिलते हैं अपनी कल की न्यूज वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।